का दिवस के रूप में आयोजित कर रहे हैं, तो मैं वो सुना रहा हूँ, देखना कैसी लगी आप लोगों को। और बेटी के बारे में, घर में बेटी का क्या महत्व है? बेटी हर घर रो श्रृंगार, बेटी हर घर रो श्रृंगार, बेटी बाबल रो है प्यार, बेटी रिश्ता नहीं पतवार, बेटी जीवन रो आधार। क्योंकि रिश्ते हैं बेटी निभाती है और परिवार में जीने का आधार भी बेटी ही होती है। बेटी भोरवी मुस्कान, बेटी सिंजारी झनकार, आती होती है ना बेटी, करती है हमेशा घरों में। बेटी दो पैरी छाम, बेटी आंगनी एक खनकार, आंगन सुना रहता है बेटी घूटने बात के उसके हिसाब से मैंने लिखा। बेटी उन्याले री प्यास, बेटी सावण री फुहार, बेटी सियाले री धूप, बेटी बसंत री बहार, बेटी मायड री है नीत, बेटी हिड़दे आली डोर, बेटी नेड़ा रो उजास, बेटी काजल कालजी री कोर, बेटी ईश्वर रो प्रसाद, बेटी ही सृष्टि रो साथ, बेटी शू ही घर आबाद, बेटी बिन भीखा क्यों खा। अगर बेटी नहीं है तो कोई त्योहार भी नहीं होते, कह रहता है ना कि बुआ आएगी, कोई और आएंगे है ना, मौसी आएगी, बेटी है सारे जिनका। बे मिनक घना लाचार, मैं भी हूं उन्होंने, जहां घर नहीं बेटी रो प्यार, है ना लाचार। अब बेटी के बारे में कई सारी है, क्यों बालिका दिवस मनाते हैं उस पे ये चार पंक्तियां हैं। कुछ पर कृपा नहीं राम की, जैसे मेरे भगवान की कृपा नहीं है, बेटी नहीं हुई। कुछ किस्मत ने खुद ठुकराई, नन्नी कड़ी रो गड़ो घोट रे, घर आई लक्ष्मी ने खुद दबरा। जैसे कल आज अखबार में है, एक नौकरी बचाने के लिए दंपति ने एक छोटी सी कन्या को नहर में फेंक दिया, तो ये उनके ऊपर है कि कुछ पर कृपा नहीं राम री, कुछ किस्मत ने खुद ठुकराई, नन्नी कड़ी रो गड़ो घोट रे, घर आई लक्ष्मी ने खुद दबराई। अब अपने को क्या करना चाहिए? सब मिल आपा आज विचारा, बेटी बचावा बेटी पढ़ावा, और पढ़ी लिखी बेटी ने आगे बढ़ावा। ये बालिका दिवस पर मेरी